तो दोस्तों आज का वीडियो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। इसी तरह बहुत कमेंट मैं देखा और देखिए मैं ये जो वीडियोकॉन कंपनी का टीवी है तो ये मेरा एक दोस्त का, मैं घर पर हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका सेटअप बॉक्स का लाइन ओके है, टीवी भी चल रहा है, इसका कॉर्ड भी न्यू लगाया, ठीक है। और इसका जो प्रॉब्लम टीवी ए वी बॉटम पुश करने का बाद, देखिए ए वी लिखा आने का बाद तो दोस्तों सॉरी ए वी नहीं आ रहा है और ये चैनल चेंज हो रहा है। अब देखिए 7 8 देखिए 9 इस तरह चैनल चेंज हो रहा है ए वी बॉटम पुश करने का बाद, तो इसका ए वी मोड नहीं हो रहा है, यही इसका प्रॉब्लम है। बट दोस्तों अब देखिए ए वी बॉटम को दबा के रखने का बाद ए वी का अंदर वीडियो चल रहा है, जब मैं ये बॉटम को छोड़ देता हूँ तो दोस्तों देखिए ये फिर भी ऑटो मोड पर चला जाता है। तो दोस्तों यही इसका मेन फॉल्ट है। तो दोस्तों मेरे पास अभी रिपेयरिंग करने का सामान नहीं है तो इसीलिए ये टीवी को मेरा शॉप का अंदर लेके जाऊंगा और उसका बाद इसका जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है किस तरह इसको आसानी से रिपेयर करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाऊंगा। तो दोस्तों प्रॉब्लम को फिर भी आपको दिखाना चाहते हो, देखिए जब मैं ये बॉटम को दबा के रखता हूँ ए वी बॉटम को तो पिक्चर साउंड ओके सब कुछ चलता है और बॉटम छोड़ने के बाद ऑटो मोड पर चला जाता है। देखिए आपको फिर भी दिखाता हूँ, देखिए ये कॉर्ड ओपन किया, ओपन करने के बाद ए वी बॉटम पुश करने के बाद देखिए चैनल चेंज हो रहा है। तो बस देखिए हो रहा है और जब मैं दबा के रखता हूँ तो बिल्कुल ए वी ये रुक जाता है और छोड़ने के बाद ये स्नो आ जाता है, यही इसका प्रॉब्लम है। तो दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले सिम्टम को अच्छा करके देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए टीवी को मैं एक बार ऑफ किया, ऑफ करने के बाद चलिए मैं टीवी का जो मेन पावर स्विच है ये बॉटम पुश करके फिर भी टीवी को ऑन किया, इसका इंडिकेटर जल रहा है। तो ये जो टीवी है इसको कुछ भी एक बॉटम चैनल प्लस और ए वी बॉटम पुश करके एक बार ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं ए वी बॉटम पुश करके इसको ऑन किया। तो दोस्तों टीवी तो ऑन हो गया, चलिए मैं फिर भी ए वी बॉटम पुश करके देखता हूँ कि ए वी आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए ए वी नहीं आ रहा है, चलिए मैं टीवी को शॉप पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये टीवी को मैं शॉप पर ले कर आया और शॉप पर जो मैं ले कर आया अभी आपको अच्छा करके मैं देखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि सिम्टम को अच्छा करके देखना पड़ेगा कि इसका प्रॉब्लम किस तरह आ रहा है, ठीक है। तो आप अच्छा करके फॉलो कीजिए, यहाँ पर जो बॉटम है, ठीक है, यहाँ पर जो बॉटम है चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्लियर करके। तो दोस्तों ये चैनल प्लस का, अब ध्यान दीजिए ये चैनल प्लस माइनस का और ये वॉल्यूम प्लस का और ये वॉल्यूम माइनस का और ये मेनू बॉटम, तो दोस्तों ये टीवी ए वी बॉटम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये टीवी ए वी बॉटम दबाने का बाद क्या आता है लिखा, देखिए पूरा स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी ये 33 नंबर चैनल है, एक बार दबाया, ठीक है, फिर जब मैं दबाता हूँ अब देखिए ये 34 हो गया। अब अच्छा करके सिम्टम को देखिए, चलिए फिर भी मैं दबाता हूँ दोस्तों, देखिए 35 हो गया। तो दोस्तों एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं जितना बार ये टीवी वी बॉटम दबा रहा हूँ कि ये चैनल चेंज हो रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट सिम्टम है कि क्या स्क्रीन का अंदर आ रहा है ये चैनल चेंज हो रहा है। पर दोस्तों चलिए ये जो चैनल चेंज होने का जो बॉटम है, ये चैनल लास्ट का जो बॉटम है ये मैं अभी दबा रहा हूँ, ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। अब देख सकते हो ये मैं दबा रहा हूँ चैनल प्लस का, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। और अभी देखिए ये चैनल माइनस बॉटम दबा का आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। ये देखिए माइनस बॉटम दबाया, ये 36 हो गया, फिर भी माइनस बॉटम दबाता हूँ, देखिए ये 37 हो गया, ठीक है। और स्क्रीन के अंदर वॉल्यूम लिखाने के बाद चैनल ये अप पर चला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए वॉल्यूम बटन दबा के दिखाता हूँ, ये वॉल्यूम प्लस बटन है, ठीक है, ये वॉल्यूम प्लस बटन है, देखिए वॉल्यूम प्लस बटन दबाया और देखिए 38 पर चला गया, फिर भी ये वॉल्यूम प्लस दबाने के बाद देखिए 39 हो गया, मतलब इसका वॉल्यूम भी कम कर रहा है और इसके साथ चैनल भी चेंज हो रहा है। मतलब मैं जो कुछ बॉटम में दबा रहा हूँ, ठीक है, उसका साथ इसका चैनल ये आप मतलब चैनल चेंज हो रहा है,
ये जो सिम्टम है दोस्तों, एक्चुअली ये सिम्टम, ये ऊपर से ही आप आइडिया लगा सकते हो किसके अंदर जो वॉल्यूम प्लस बॉटम है, सॉरी चैनल जो प्लस बॉटम है, चैनल प्लस बॉटम अंदर से शॉर्ट हो गया। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अंदर जो चैनल प्लस बॉटम है वो चैनल प्लस बॉटम को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके आप न्यू लगा सकते हो, आप ओपन करके आउट भी कर सकते हो, क्योंकि चैनल प्लस बॉटम काम पर नहीं आएगा, ओनली जो काम पर आएगा वॉल्यूम प्लस माइनस बॉटम, क्योंकि जो सेटअप बॉक्स होता है वहाँ से जो पिक्चर साउंड आता है वो ए भी मुठ का अंदर, ओनली ये टी वी ए भी बॉटम काम करेगा तो। ठीक है, टी वी ए भी बॉटम काम करेगा तो काम चल जाएगा। बार दोस्तों टी वी ए भी बॉटम दबा के रखने के बाद आप देख सकते हो ये भी लिखा आ रहा है। ठीक है, ये सिम्टम है। बार दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, मान लो ये टी वी ए भी बॉटम एक बार दबाने के बाद, देखिए ये 41 नंबर चैनल पर है और जब मैं दबाता हूँ ये 42 पर चला गया। ठीक है, ये देखिए टी वी ए भी बॉटम, फिर भी दबाता हूँ, देखिए 43 पर चला गया। मान लो ये चैनल चेंज हो रहा है, हो सकता है चैनल चेंज नहीं होगा और ये जो वॉल्यूम बॉटम दबाने के बाद जो सिम्टम वॉल्यूम का प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है वो स्क्रीन के ऊपर शो होगा, तो आपको वॉल्यूम माइनस हो जाएगा तो वॉल्यूम माइनस बॉटम शॉर्ट है, वॉल्यूम प्लस हो जाएगा तो वॉल्यूम प्लस बॉटम शॉर्ट है। ठीक है, इसी तरह प्रॉब्लम। तो दोस्तों हो सकता है कि टी वी ए भी बॉटम के कम कर रहा है और अब वॉल्यूम बॉटम ये दबाने के बाद चैनल चेंज हो रहा है, तो इसी कंडीशन पर जो चैनल ऑफ हो जाएगा तो ये शॉर्ट है, डाउन हो जाएगा तो ये शॉर्ट है। ठीक है, इसी तरह प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बट दोस्तों और एक सा प्रॉब्लम है कि टी वी ए भी बॉटम दबाने के बाद ए भी लिखा स्क्रीन पर नहीं आता है, तो उसका एक कंडीशन है कि ये बॉटम ख़राब हो सकता है और सर्विस मोड का अंदर फॉल्ट हो सकता है, उसका ऊपर मेरे चैनल का अंदर ऑलरेडी वीडियो है। चलिए मैं फटाफट टीवी को ओपन करने के बाद ये बॉटम को ओपन करके आपका एक बार दिखाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों टीवी का बैक कवर को ओपन किया, ये जो ओरिजिनल पीसीबी है ये पीसीबी आप देख सकते हो, पीसीबी का अंदर देखिए जो बॉटम स्विच है ये चैनल प्लस और ये चैनल माइनस और ये वॉल्यूम प्लस और ये वॉल्यूम माइनस और ये मेनू बॉटम और ये टीवी ए भी बॉटम। ठीक है, तो ये जो चैनल प्लस वाला बॉटम है, ये जो बॉटम, ये बॉटम को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो ये वाला जो बॉटम है ये नेगेटिव का साथ, देखिए नेगेटिव का साथ ये जो पिन है ये पिन को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो बॉटम स्विच है, ये जो स्विच को मैं अभी चेंज नहीं किया है, तो मैं ढूंढ के देखूंगा मेरे पास है तो मैं ये चेंज कर दूंगा, नहीं तो आपका पास इसी तरह कर सकते हो कि ये जो स्विच है, देखिए ये स्विच का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, तो ये स्विच को मैं इस तरह ओपन किया, ये देखिए स्विच का ये दो पॉइंट, ये नेगेटिव है और ये दो पॉइंट है, मैं ये दो पॉइंट को ओपन किया। ठीक है, और ये सब जिस तरह स्विच था मैं कुछ भी नहीं किया। तो चलिए एक बार आपको सप्लाई देकर दिखाना चाहता हूँ, मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद इसका इंडिकेटर देखिए अभी ऑन है, तो कुछ भी एक बॉटम पुश करके देखना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ये अलग अलग बॉटम पुश करके मैं देख रहा हूँ, देखिए ये बॉटम पुश करने के बाद टीवी ऑन हो गया, स्क्रीन के अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये देखिए अभी पॉल बीजी लिखा है, मतलब ये स्नो आ रहा है। ठीक है, ये स्नो आ रहा है, ठीक है स्नो आ रहा है। और चलिए ये भी बॉटम, ये साइड जो बॉटम है ये भी बॉटम, ठीक है ये भी बॉटम पुश करने के बाद स्क्रीन का अंदर आप देख सकते हो, देखिए ये भी लिखा आ गया, आप अच्छा करके देखिए ये भी लिखा आ गया। आपको मैं बहुत अच्छा करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं फिर भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये टीवी अभी बॉटम है और आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। देखिए जब मैं पुश किया मेनू लिखा आ गया, ये बॉटम में थोड़ा प्रॉब्लम है,
तो देखिए स्नो आ गया, ठीक है। और फिर भी मैं पुश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जब मैं पुश के, देखिए ये भी हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों छोटा सा एक प्रॉब्लम है, कभी कभी ये छोटा सा प्रॉब्लम भी बड़ा हो जाता है। तो चलिए लास्ट में आपका एक बार वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मैं टीवी पर सप्लाई दे दिया, टीवी का इंडिकेटर अभी देखिए जल रहा है, ठीक है। चलिए मैं ये चैनल प्लस बॉटम दबाया, क्योंकि मैं चैनल बॉटम मैं न्यू लगाया। दबाने के बाद देखिए टीवी अभी ऑन हो गया, देखिए टीवी स्नो आ गया, ठीक है। और मैं पहले से ही वीडियो ऑडियो कनेक्शन करके रखा हूँ, इसलिए ए वी बॉटम मैं दबा कर आपको दिखाता हूँ। देखिए ए वी बॉटम दबाया, ये साथ साथ इसका ऑडियो वीडियो सब कुछ आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आप इसी तरह प्रॉब्लम को आसानी से रिपेयर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के बारे में आप फ्री में टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इंस्टाग्राम लिंक भी मिल जाएगा, फेसबुक लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को दोस्तों फॉलो करके रखिए। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए। और दोस्तों ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, और जो बेल आइकन है उसको ऑन करके नोटिफिकेशन को ऑल करके रखेगा तो मैं जिस टाइम वीडियो अपलोड करूँगा साथ साथ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम बिल्कुल ओके कम कर रहा है, सब कुछ इसका ओके कम कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूम अभी दबाने के बाद भी इसका चैनल चेंज नहीं हो रहा है, ए वी बटन दबाने के बाद भी चैनल चेंज नहीं हो रहा है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।